हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं यम सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे यम सर्वर का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब यम सर्वर क्या होता है, क्या उसके यूज हैं, उसके एडवांटेज क्या है, ये इस वीडियो हम सीखेंगे। तो यम सर्वर के बारे में बात करने से पहले हम पैकेज की बात करते हैं, ठीक है। पैकेज क्या होते हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल वीएलसी, ठीक, तो हम इंटरनेट से उसका .exe पैकेज डाउनलोड करते हैं और हमारे पीसी में इंस्टॉल करते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको उसके आरपीएम पैकेज इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद उन आरपीएम पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आरपीएम पैकेज है आप दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। पहला आरपीएम कमांड के थ्रू, दूसरा यम सर्वर के थ्रू, ठीक है। अगर आप आरपीएम कमांड के थ्रू कर रहे हैं पैकेज इंस्टॉल, तो उसके दो डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट कि जो पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो अगर वह किसी दूसरे पैकेज पर डिपेंड है तो सबसे पहले आपको उसकी डिपेंडेंसी रिजोल्व करनी पड़ेगी। यानी अगर कोई पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो और वो किसी दूसरे पैकेज पर डिपेंड है तो जैसे आप ये उसको इंस्टॉल करोगे तो ये एरर मैसेज शो करेगा कि आपकी इस पैकेज की डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है, ऐसा मैसेज शो करेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको डिपेंडेंसी मैन्युअल रिजोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जितने भी डिपेंडेंट पैकेज हैं वो सभी आपको मैन्युअली वन बाय वन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है अगर आप आरपीएम कमांड के थ्रू कर रहे हो, जैसे यहां पर मेरे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो मुझे इस पीसी पे, इन सभी पीसी पे वीएलसी पैकेज या कोई भी पैकेज मुझे इंस्टॉल करना, कोई भी सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपको उस सॉफ्टवेयर के पैकेज आपको सभी पीसी पे कॉपी करने पड़ेंगे या फिर जो भी इंस्टॉलेशन मीडिया आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डीवीडी में पैकेज हैं आपके या फिर पेन ड्राइव में है, तो वो सभी इन सभी पीसी पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। यानी वो इंस्टॉलेशन मीडिया यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस पे भी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। यानी सभी पीसी पर वन बाय वन आपको उस इंस्टॉलेशन मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये दूसरा ड्रॉबैक था आरपीएम कमांड के थ्रू अगर आप आरपीएम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम को यम सर्वर दूर करने के लिए यम सर्वर यूज होता है। यम सर्वर का जो पहला हमने ड्रॉबैक देखा था आरपीएम कमांड का, ठीक है, उसमें क्या था कि डिपेंडेंसी मैन्युअली रिजोल्व करनी पड़ती है, ठीक है। यम सर्वर क्या करता है कि जो भी डिपेंडेंसी है किसी पैकेज की वो डिपेंडेंसी यम सर्वर ऑटोमेटिक रिजोल्व कर देता है, एंड मैन्युअली आपको उस पैकेज की डिपेंडेंसी रिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे बड़ा फायदा ये। दूसरा ये कि अगर आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं और आपने यम सर्वर कॉन्फिगर कर रखा है और कोई पैकेज अगर आपको इन पीसी पे इंस्टॉल करना है क्लाइंट पीसी पे, तो आपको इंस्टॉलेशन मीडिया हर पीसी पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इस यम सर्वर के थ्रू डायरेक्ट इन पीसी पे आरपीएम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यम सर्वर का, ठीक है। यानी ये क्लाइंट, ये यम सर्वर बन जाएगा और ये बन जाएंगे यम क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यम सर्वर की मेन कॉन्फिगरेशन फाइल्स की। तो यम सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है etc के अंदर yum.conf, ठीक है। ये यम सर्वर की मेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए कैश dir यानी कैश डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पर इन पैकेज की हेडर फाइल स्टोर होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कीप कैश जीरो, इसका मतलब है जीरो है मतलब उसकी उस पैकेज की कैश यहाँ पर स्टोर नहीं होगी। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बहुत सारे ऑप्शन है, लॉग फाइल यहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है। और दूसरा आ रहा एग्जैक्ट आर्क, ठीक है, कि जो भी पैकेज आप स्टोर कर रहे हैं उनका आर्किटेक्चर भी ये चेक करेगा, वन लिखा हुआ इसका मतलब चेक करेगा, ठीक है, कि 64 bit है या 32 bit है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जीपीजी चेक इजिकल टू वन, जीपीजी चेक का मतलब होता है अगर यहाँ पर वन है इसका मतलब जो भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं उनकी की वेरीफाई करेगा, उसके बाद में ही इंस्टॉल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं उनकी की वेरीफिकेशन ना हो तो यहाँ पर आपको जीरो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीडी माउंट करके देख लेता हूँ, माउंट /dev/cd-rom /mnt,
cd/mnt ls-l, और यहां पर देखिए RPM GPG की Red Hat रिलीज, ठीक है। यहाँ पर सभी इस फाइल में सभी पैकेज की कीज होती है, ठीक है। जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, अगर GPG की GPG check is equal to 1 आपने सेट कर रखा है, तो हर एक पैकेज की यहाँ पर की वेरीफाई होगी, उसके बाद में वो पैकेज इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो हमने सीखा YAML सर्वर का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम YAML सर्वर को कॉन्फिगर कैसे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।